हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीटी जीटी पीजीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट हमारे चैनल पर आ रहे थे, और आज इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके उन सारे सवालों के जवाब आप सभी को देना चाहूँगी। दोस्तों, मैं आपको एक कमेंट दिखाना चाहूँगी जिसमें जमाल जी ने बोला है कि एग्ज़ाम के डेट को आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पॉलिटिकल मैटर की वजह से एग्ज़ाम तो हो जाएगा, बट नियुक्ति को अटका दिया जाएगा और वो 2-3 साल में पूरी हो सकेगी, जैसा कि पिछले वर्षों की नियुक्तियां जो हैं वो पूरी हुई हैं। और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है, और बहुत सारे लोग इस नेगेटिविटी को लेकर ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको दो बातें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि अगर आप इतना ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेकर अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, तो आप उतने बेहतर ढंग से तैयारी नहीं कर पाएंगे, उतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं रह पाएंगे जितना आपको रहना चाहिए। और दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट बात है, कभी कभी अगर हम अपनी लाइफ की भी बात करें, तो कभी कभी हम पास्ट की कुछ चीज़ों को जब लेकर बैठे रहते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम उनको नहीं देख पाते और उनका सही फ़ायदा नहीं उठा पाते, जैसा कि इस वक्त आप सभी अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है। हर बार मैं मान सकती हूँ कि भर्ती प्रक्रिया काफ़ी समय तक अटकी रही है, बट इस समय जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि 2022 का इलेक्शन बहुत ज़्यादा खतरे में दिखाई दे रहा है और 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है, तो सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि वो इतने बड़े वोट बैंक को निराश कर दे और अपने चुनाव की सीटों को खतरे में डाल दे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आए हैं कि 31 अक्टूबर तक आपकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाएगा, और दूसरी तरफ सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाए, ताकि ये जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं ये उनसे निराश ना हो। लेकिन फिर भी हम पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर बैठे हैं, पास्ट की कुछ नेगेटिविटीज़ को लेकर बैठे हुए हैं, और हमारी मानसिकता वही बनी हुई है। हमें ये प्रॉब्लम है कि भाई सरकार को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमको इस भर्ती से क्या फ़ायदा होने वाला है, या इस गोल्डन अपॉर्चुनिटीज गोल्डन टाइम का हमारे करियर पर क्या फ़ायदा होने वाला है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं क्या नहीं करेंगे, आगे कौन सी सरकारें आएंगी नहीं आएंगी, उन सब चीज़ों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परीक्षा से, और जो आपके सामने प्रेजेंट टाइम में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो शायद आगे 5 सालों तक आपको ना मिले, तो उसका आपको फ़ायदा उठाना है, और आपको मान कर चलना है कि इस साल के अंदर अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में अगर आप पास्ट की बातें सोचते रहे, तो आप प्रेजेंट टाइम की गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, और बाद में आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा बचेगा। आई होप सो कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण गाइडेंस और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए नमस्कार।